खबर गोहाना से आ रही है, सीधा रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोहाना में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जो पुतले हैं वो फूके जा रहे हैं। जनसंघर्ष मंच और समता महिला मूल के संगठन यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला भी फूका है। बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के भाव और रोडवेज कर्मचारियों पर लाठीचार्ज को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जनसंघर्ष मंच ये प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरीके से रोडवेज कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी जब हरियाणा बंद बुलाया गया था, उसके चलते प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जानना चाहूंगी आपसे, यहाँ पर जो जनसंघ मंच है और समता महिला मूल के संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए आज गोहाना शहर में जो है समता मूलक महिला संगठन और जो जनसंघर्ष मंच के दोनों कार्यकर्ताओं ने जो है इकट्ठा एक साझा जो है शहर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार का पुतला फूका है। देखिए, प्रदर्शन कर रहे जो कर्मचारी जो नेता है उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान लगातार जो है कर्मचारी विरोधी नीतियों का फैसला कर्मचारी के खिलाफ जो है फैसला लेते आई है। और ताजा जो मामला है पिछले 5 सितंबर का जो है रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ जो है एस्मा के तहत की गई लाठीचार्ज और कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। इसके अलावा जो MPSW कर्मचारी है उनको लेकर भी इन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ साथ जो आए दिन पेट्रोल डीजल के भाव जो प्रदेश में बढ़ रहे हैं उनको कम करने की मांग को लेकर यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। साथ सरकार की मांग की है कि तुरंत प्रभाव से जो निजीकरण सरकार जो कर रही है उसको नहीं करे और जो एस्मा के तहत रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उन कर्मचारियों को जो है तुरंत प्रभाव से जो है रिहा कर दोबारा उनसे जो है अपनी नौकरी उनको जो है बहाल किया जाए। और साथ साथ जो MPSW कर्मचारी है इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ भी जो है इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। और जो आज दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उसको जो है GST के दायरे में लाकर जो है पेट्रोल डीजल के भाव कम करने की जो है मांग दोनों जो मंच के कार्यकर्ता उन्होंने की है। जी सुनिए, ये दो मांगे तो सामने आई है और कोई और भी मांग हो सकती है जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार SYL का मुद्दा भी उठाया जा रहा था? देखिए, वो इन मंच के कार्यकर्ताओं ने नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने जो कर्मचारियों की मांग है उसको जरूर उठाकर जो है सरकार विरोधी प्रदर्शन किया है। देखिए, इनका साफ कहना है कि पिछले 4 साल के दौरान जो है सरकार ने जो है कर्मचारियों के विरोध में कर्मचारियों के खिलाफ फैसले लिए हैं, जिसके चलते जो है आए दिन कर्मचारी जो कोई भी कर्मचारी है MPSW का मामला है या रोडवेज कर्मचारियों का मामला है या आशा वर्करों का मामला है, कर्मचारी जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी बात को लेकर जो है दोनों मंच जो है बार बार जो है कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता आ रहा है। उस पर जो है पेट्रोल डीजल के लगातार भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी का जो है जीना मुश्किल हो गया। इसी बात को लेकर आज विरोध प्रदर्शन जो है कर्मचारियों ने किया है, दोनों जो मंच के कार्यकर्ताओं ने किया। सरकार को जो है अपनी जो है एक किस्म की एक अपनी जो है दर्ज करवाई है, कर्मचारियों के खिलाफ जो ये विरोध प्रदर्शन किया है उसको जो है तुरंत प्रभाव से वापस लेने की जो है सरकार से मांग की। जी बिल्कुल सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।